सर एक ऐसा वीडियो बनाओ ना कि सब स्टेशन के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं तो बेटा इस पर रिसर्च करने में डेटा कलेक्ट करने में ऑब्वियसली आई नीडेड सम टाइम और बीच में मैं फिर बीमार भी पड़ गया तो इस कारण से चीजें थोड़ी सी डिले हो गई बट बेटर लेट देन नेवर सो वी आर हेयर वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस एपिसोड अलॉट आपको काफी मजा आने वाला है काफी कुछ सीखने मिलने वाला है और इसके बाद आप लोगों को ना काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो कोई भी मैं चाहूंगा कि आप सब स्टेशन विजिट जरूर करना वेन एवर यू गेट टाइम एंड ऑब्जर्व वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो चलो तो लेट मी स्टार्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ माई नेम इज़ अंकित गोयल आई गॉट ऑल इंडिया रैंक वन टू इन गेट इन ट्वेंटी फोर्टीन एंड ट्वेंटी एटीन आई वॉज अवारेड गोल्ड मेडल बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हिमसेल्फ इन द ईयर ट्वेंटी थर्टीन वेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई आई टी टिल डेट आई हैव ट्रेंड ओवर टू लैक्स स्टूडेंट फॉर गेट एंड डी एस सी एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट अन अकेडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट हम मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चों में कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ये जो हमारी अन अकेडमी टीम है क्रिएटरिक्स टीम है दे वर्क रियली रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि जो हमारे बच्चे हैं ना वो कॉम्पिटिशन में सबसे आगे रहें वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ के आए मचा के आए एकदम आग लगा के आए और इसके लिए जितने भी इनिशिएटिव लाने पड़े जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करने पड़े वी डू दैट नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट ऑल्सो ऑन दी अनअकेडमी ऐप इसीलिए बेटा अनअकेडमी ऐप अपने फ़ोन में रखिए एंड देन एक्सेस ऑल अवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग दैम यूजिंग द कोड अंकित ई एस सी और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लास बेटा आपको इस लिंक पे मिल जाती हैं अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो अपकमिंग में आप देखोगे आगे आने वाली क्लासेस रहेंगी और बच्चों जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो अलग अलग फोल्डर्स में रहेंगी लाइक पी एस यू कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन फॉर गेट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है तो यार आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के कंपोनेंट्स पे बात करते हैं कि भाई कंपोनेंट कौन कौन से यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं क्या उनका पर्पज़ है तो सबसे पहले वॉट इज अब स्टेशन तो बेटा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जो होता है ना ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच का एक इंटरफेस होता है सो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड एंड द ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है जब पावर हम लोग जनरेट करते हैं तो वो कम वोल्टेज पे जनरेट करते हैं फिर उस वोल्टेज को ना हम स्टेप अप करते हैं ताकि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके लेकिन बेटा उस हाई वोल्टेज को ना लोड को डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकते की जो वोल्टेज रेटिंग होती है दैट इज लो तो इसीलिए बीच में हमारा सब स्टेशन का रोल आता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में एज अ इंटरफेस काम करता है तो ये क्या करता है बेटा ये स्टेप डाउन करता है ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज को इस लेवल पे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड को दी जा सकती है जैसा मैंने बताया लोड का वोल्टेज रेटिंग कम होता है जबकि ट्रांसमिशन होता है हाई वोल्टेज पे इसके अंदर बेटा सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके और अलग अलग डायरेक्शन में करंट के फ्लो को हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं और वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को यहाँ पे मिनिमाइज भी किया जाता है जैसे मान लो कि लोड कम हुआ तो वोल्टेज बढ़ेगी लोड बढ़ गया तो वोल्टेज कम होगी तो ये जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है लोड के साथ इसको मिनिमाइज भी किया जाता है अब इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है अगर पावर ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ये जनरेटिंग स्टेशन में यूज होता है कहां यूज होता है जनरेटिंग स्टेशन में इसका काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना बिफोर ट्रांसमिशन देखो मान लो जनरेटर ने इलेवन केवी पे जनरेट किया लेकिन आपको ट्रांसमिट करना है टू ट्वेंटी केवी पे तो आपको वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा तो यह बहुत हाई पावर रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर होता है कहां पे यूज किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पे यूज किया जाता है क्यों यूज किया जाता है टू तो स्टेप अप द वोल्टेज बिफोर ट्रांसमिशन क्यों स्टेप अप करना है ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेज ठीक है तो टू टेन एम वी एमर्स नेचुरली कूल्ड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं और अब टेन एम बी एयर ब्लास्ट कूल्ड ट्रांसफॉर्मर एयर ब्लास्ट का मतलब है जिसके अंदर आप एयर को फ्लो करा के उसे कूल डाउन करोगे और कम रेटिंग पे ऑयल के अंदर डाल दो ऑयल विल एक्ट एज अ इंसुलेशन एज वेल एज अ कूलेंट अगला आता है भाई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर सर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर ना बेटा रिलेज के साथ यूज किए जाते हैं क्यों देखो रिले होता है हमेशा एक लो रेटिंग का डिवाइस यानी रिले के अंदर जो वोल्टेज और करेंट होता है दैट इज ऑफ लो लो वैल्यू वैल्यू तो उस को रिले में देने के लिए पहले जो आपकी हाई वैल्यू ट्रांसमिशन सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एग्जिस्ट करती है उसे स्टेप डाउन करना पड़ता है और उस स्टेप डाउन करने के लिए वी मेक यूज ऑफ पोटेंशियल एंड करेंट ट्रांसफॉर्मर ठीक है तो बेटा यहां पे इसका मेन पर्पस क्या है टू तो डिक्रीज हाई करंट एज वेल एज वोल्टेज टू आ सिक्योर एंड रियलिस्टिक वैल्यू ठीक है और इन वैल्यूज को आप मेजर कर सकते हो अगर देखो पोटेंशियल और करेंट ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में यूज करते हैं ना तो उसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर ठीक है और अगर इसे स्टेप डाउन करके किसी इंस्ट्रूमेंट में पास करा दे मान लो आपको करंट मेजर करना है किलो एम्पियर में लेकिन बेटा आपके पास ना किलो एम्पियर का एम मीटर नहीं है तो आप क्या करो इस किलो एम्पियर वाले करेंट को स्टेप डाउन करके आप एक एम मीटर में दो बस एमटर का स्केल ऐसे बदल दो ना कि एम मीटर के स्केल पे आपको रीडिंग किलो एम्पियर में नजर आए तो भले ही एम मीटर में करंट कम जा रहा होगा लेकिन वो रीडिंग ज्यादा दिखा रहा होगा और क्यों दिखा रहा होगा रीडिंग ज्यादा बिकॉज आपने उसके स्केल को चेंज किया है तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट की रेंज को बढ़ाया जा सकता है हाई वैल्यू मेजर करने के लिए हाई रेंज का इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए साथ में आप क्या यूज कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर तो रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करेंट आर हंड्रेड एंड टेन वोल्ट एंड वन एम्पियर और फाइव एम्पियर ठीक है और यही ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्टिव रिले के अंदर में भी काम आता है फॉर करेंट एज वेल एज वोल्टेज ठीक है तो वोल्टेज एंड करेंट ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करें तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर क्या है भाई जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को स्टेप डाउन करके आप क्या कर सकते हो या तो बेटा इससे मेजरमेंट कर सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट लगा दो सेकेंडरी साइड पे या फिर आप इसको पास कर सकते हो एक प्रोटेक्टिव रिले के अंदर किसके अंदर एक प्रोटेक्टिव रिले के अंदर तो आप प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और मेजरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो सिमिलरली बेटा करेंट ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी सेम होता है कि यहाँ पे हम लोग करंट को स्टेप डाउन करते हैं अगर बेटा एक सिंपल सी बात करें करेंट को अगर स्टेप डाउन करना है हमें तो आप जानते हो आई एस बाय आई पी इज़ एन पी बाय एन एस तो एन एस मस्ट बी ग्रेटर देन एन पी सो दैट आई एस इज लेस देन आई पी अगर करंट कम करना है तो सेकेंडरी में टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे अब इसके लिए पता है क्या करते हैं कि प्राइमरी के अंदर एक सिंगल टर्न ले लेते हैं और सेकेंडरी में मल्टीपल टर्न्स ले लेते हैं अगर आपको टर्न्स ज्यादा ही लेने हैं सेकेंडरी पे तो प्राइमरी में एक सिंगल टर्न ले लो दैट इज कॉल्ड एज अ बार प्राइमरी ठीक है तो यहां पर करेंट स्टेप डाउन करने के एक काम में आता है और यहां पर एक रियलिस्टिक इमेज भी दिखा रखी है फॉर अ करेंट ट्रांसफॉर्मर ठीक है ये जो डिस्क टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बेटा ये आपके इंसुलेटर्स हैं अब सिंपल सी बात है ना जहां पे टर्न्स ज्यादा होंगे वहां भले ही करंट कम हो लेकिन वोल्टेज तो ज्यादा होगा अगर वोल्टेज ज्यादा है तो वहां पे इंसुलेशन भी ज्यादा देना पड़ेगा दैट इज वाई वहां पर डिस्क भी आपके ज्यादा यूज होंगे ठीक है अब लाइटनिंग अरेस्टर बेटा लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है कि जो आपकी इनडायरेक्ट स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग होता है जो भी लाइटनिंग ट्रांसमिशन लाइन पे आ जाए उस ट्रांसमिशन लाइन से आने वाली लाइटनिंग को हमें अर्थ में पास कराना होता है ताकि जो ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेशन लगा है वो डैमेज ना हो जाए क्या होता है जब कभी लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है एक ट्रांसमिशन लाइन पे तो उससे क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन पे चार्ज डिपॉजिट होता है और चार्ज डिपॉजिट होने से ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ जाता है और अब ये वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन का बढ़ गया इट कैन डैमेज द इंसुलेशन बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड द टावर तो इस लाइटनिंग डिस्चार्ज को ही हम ये चाहते हैं ना कि ये अर्थ में पास ऑन हो जाए ये ट्रांसमिशन लाइन पे इंसुलेशन को इम्पैक्ट ना करे और इसके लिए हम यूज करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर ठीक है So, as well as तो इट इज मेन पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द सब स्टेशन फ्रॉम पासिंग हाई वोल्टेज एज वेल एज स्टॉप द एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो ऑफ करेंट ठीक है तो ये जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ना ये जो हाई वोल्टेज मान लो लाइन में आ गई अब भाई लाइन तो आपकी कनेक्टेड होगी किससे सब स्टेशन से लाइन में ट्रैवल करते करते अगर सब स्टेशन में आ गई तो सब स्टेशन के इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती है इसलिए सब स्टेशन में एक लाइटनिंग अरेस्टर प्लेस किया जाता है ताकि जो भी लाइटनिंग हाई वोल्टेज आ रही है उस करंट को उस हाई वोल्टेज को आप अर्थ के थ्रू एक रास्ता प्रोवाइड करा दें देखो ये दिखा रखा है ना एरो से ये एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो दिस विल ग्राउंड इट ठीक है तो हम ये नहीं चाहते ना बेटा कि यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मर तक वो चीज पहुंचे अगर ट्रांसफॉर्मर में पहुंच गई तो मेरे ट्रांसफॉर्मर को डैमेज कर सकती है इसीलिए उसके लिए पहले से हमने क्या लगा रखा है एक लाइटनिंग अरेस्टर ठीक है अब वेव ट्रैप बेटा वेव ट्रैप का पर्पस क्या होता है ये जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रैप करता है यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आगे नहीं जाने देता है अब सर ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आया कैसे बेटा क्या होता है बहुत बार हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी भेजते हैं हमेशा सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन का जो यूज है ना दैट इज नॉट जस्ट टू सप्लाई द पावर सम इज़ यूज फॉर पावर लाइन कैरियर कॉम्युनिकेशन पी तो पावर लाइन कैरियर कॉम्युनिकेशन में क्या होता है 50 हर्ट्स पे तो हम पावर को भेज रहे हैं लेकिन जो कोई हमें कॉम्युनिकेशन सिग्नल भेजना है जो कोई हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजना है मे बी एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन भेजना है तो दैट इज सेंट ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेकिन जो दो सब स्टेशन के बीच की बातचीत है वो इस रीजन के बाहर नहीं जानी चाहिए मतलब जैसे मान लो बेटा मैं दिल्ली में बैठा हूं आप या चलो मैं बैंगलोर में बैठा हूं आप दिल्ली में बैठे हो तो हमारे बीच की जो बातचीत है ना वो बैंगलोर से दिल्ली दिल्ली से बैंगलोर आनी चाहिए वो आगे पंजाब कश्मीर इस एरिया में नहीं जानी चाहिए तो उसे रोकने का रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है ये वेव ट्रैप तो जब आप वेव ट्रैप लगा देते हो ना तो ये जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसे आगे नहीं जाने देता वहां पर स्टॉप कर लेता है फिफ्टी हर्ट्स वाले को तो आगे भेजता है पावर सिग्नल तो आगे जाता है लेकिन कॉम्युनिकेशन सिग्नल को रोकता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है जहां एक एल्युमिनियम कॉइल होती है कपलिंग कैपेसिटर होता है तो एक एलसी सर्किट बनता है और ये एलसी सर्किट बहुत हाई इंपीडेंस देता है हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सर्किट ब्रेकर अब भाई सर्किट ब्रेकर तो सिंपल सी बात है प्रोटेक्शन के लिए लगाया ही जाएगा बेटा तो जब कभी आपके सिस्टम में कोई एरर आएगा तो रिले जो है ना सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे देता है और सर्किट ब्रेकर ट्रिप करके सर्किट को आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेता है इसके अंदर क्या होता है एक फिक्स प्लेट होती है एक मूविंग प्लेट होती है तो जैसे ही इसे रिले से सिग्नल मिलता है तो इसकी मूविंग प्लेट हटने लगती है अवे फ्रॉम द फिक्स प्लेट और जब वो फिक्स प्लेट से दूर जाती है तो सर्किट आपका ओपन हो जाता है लेकिन बेटा इसके बीच में आर्क बनती है उस आर्क को एक्सटेंट किया जाता है अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के सर्किट ब्रेकर में लाइक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में अलग तरीका है एयर ब्लास्ट में अलग तरीका है ऑयल के अंदर अलग तरीका है तो ये डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर दो प्लेट के बीच में जो आर्क बनती है उसे हम लोग एक्सटेंट कराते हैं ठीक है तो ये सर्किट ब्रेकर भी आपको देखने मिलेंगे व्हेन यू गो इनटू अ सबस्टेशन। स्टेशन अगर बस बार की बात करें बस बार क्या होता है बस बार बेटा पावर सिस्टम के अंदर एक नोड का, का काम करती है क्या होती है नोड नोड ऐसी होती है बेटा जहां पे दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हैं तो पावर सिस्टम में जहां दो या दो से अधिक ट्रांसमिशन लाइन जुड़े दैट इज कॉल्ड एज अ बार अब बस बार बनाते हैं कंडक्टर से, जिस पे दो तरह की ट्रांसमिशन लाइन होती है इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग वो जो उस बस बार पे, उस नोड पे करंट को लेके आती है और आउटगोइंग वो जो वहां से करंट को दूर लेकर के जाती है तो कुछ करंट आपका इनकमिंग होगा एंड सम करंट विल बी आउटगोइंग, ठीक है तो यहां पे देखो दिखा रखा है बस बार बस बार पे क्या होगा आपकी ट्रांसमिशन लाइन जुड़ जाएगी कुछ लाइंस करंट लेके आएंगी और कुछ लाइन आपकी करंट लेके जाएंगी आइसोलेटर अब ये आइसोलेटर का काम काम क्या होता है का काम होता है है बेटा? आइसोलेटर का सर्किट के अंदर क्लियरेंस बढ़ाने का क्लियरेंस बढ़ाने का मतलब क्या होता है जब सर्किट ब्रेकर कई बार सर्किट को ओपन कर देता है तो दोनों प्लेट्स के बीच में या ओपन सर्किट एंड्स के बीच में गैप कम होता है इस कम गैप के कारण दोनों के बीच में आर्क बन सकती है ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द मीडियम अब आयोनाइजेशन का जो बेसिक कॉज है वो होती है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आइसोलेटर का, का काम क्या होता है ये दोनों छोर के बीच का गैप बढ़ाता है गैप बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से आयोनाइजेशन का चांस भी मिनिमाइज होता है अगर बीच की एयर आयोनाइज नहीं होगी तो क्या होगा उससे फायदा देन इट विल नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ आर्क तो आइसोलेटर का काम आता है बेटा स्विच के बाद यानी मान लो सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को ओपन कर दिया उसके बाद आइसोलेटर ओपन होगा ताकि वो दो पॉइंट के बीच का गैप या क्लियरेंस बढ़ा सके ठीक है विच इज यूज टू आइसोलेट द सर्किट वेन एवर द फ्लो ऑफ करेंट बीन डिसरप्टेड दिस स्विज आर नेम्ड एड डिसर करेंट मेकिंग और करेंट ब्रेकिंग कैपैसिटी ना तो ये करेंट पे ऑन होता है ना ही ये करेंट पे ऑफ होता है ठीक है सिर्फ ये क्लियरेंस बढ़ाने के काम में आता है तो इस टाइप के इक्विपमेंट आपको दिखेंगे बेटा देख रहे हो इन्होंने गैप बढ़ा दिया है तो इज़ योर आइसोलेटर। बैटरी की अगर बात करें तो पावर स्टेशन और सब स्टेशन में ना बेटा बैटरी को एज अ बैकअप रखते हैं जो मैंने आपको बताया था डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी देखो सब स्टेशन के जो लाइट और इक्विपमेंट है तो जो ट्रांसमिशन सिस्टम से पावर आ रही है उसी पे चलते हैं लेकिन कभी भी सब स्टेशन शट डाउन ना हो इस कारण से बैकअप में हम लोग डीसी का रखते हैं दैट इज यू विद हेल्प ऑफ बैटरी तो यहां पे हमने क्या बोला है लाइटिंग रिले कंट्रोल सर्किट आर पावर्ड बाय बैटरी एंड आर कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर सेल तो ये क्यों हम रखते हैं ऐसा मान लो बेटा आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया अब उस कारण से सब स्टेशन की सप्लाई में भी दिक्कत आ जाएगी तो हमारे सब स्टेशन के जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है लाइक कंट्रोल सर्किट लाइटिंग रिले ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी ऐसा नहीं होना चाहिए वरना सब स्टेशन एकदम अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा और ये पावर के फ्लो को भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो हम इसीलिए बैटरी पावर्ड रखते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है इवन इफ देर इज अ फॉल्ट इन द ट्रांसमिशन सिस्टम मेरे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट चलते रहें सब स्टेशन शट डाउन ना हो जाए ठीक है स्विच यार्ड आपने ये देखा होगा ना मैदान सा रहता है जहां पे स्विच यार्ड होता है बहुत सारे स्विचेस होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं इसे हम बोलते हैं स्विच यार्ड ठीक है तो इट इज एन इंटरकनेक्टर बिटवीन द ट्रांसमिशन जनरेशन ठीक है तो बेटा यहां पे ट्रांसमिशन सिस्टम जनरेशन सिस्टम के बीच का इंटर है इसीलिए बहुत जिग्सैग जिग्सैग आपको दिखता है तो बेटा यहां पे क्या करते हैं यहां पे पावर जनरेशन सिस्टम से लेकर के ट्रांसमिशन सिस्टम को दिया जाता है और यहाँ पे ये सारे इंसुलेटर्स के माध्यम से वायर को जोड़ा जाता है इंसुलेटर क्यों ताकि जो भी करंट आप जनरेशन से ट्रांसमिशन सिस्टम में दे रहे हो दैट शुड नॉट लीक फ्रॉम द टावर टू द ग्राउंड ये वायर में ही रहना चाहिए इसीलिए टावर के साथ या ये सपोर्ट स्ट्रक्चर है इनके साथ इंसुलेटर देना पड़ता है क्योंकि ये सब भी मेटल के बने हैं भाई ठीक है रिलेज अब रिले तो ऑब है ना बेटा सर्किट ब्रेकर है तो सर्किट ब्रेकर को कौन बताएगा कि कब ऑपरेट करना है तो वो काम करता है रिले रिले क्या करता है रिले ये चेक करता है कि एक सब स्टेशन के अंदर कब एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है अगर एबनॉर्मल कंडीशन है मे बी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज मे बी इन टर्म्स ऑफ करेंट तो वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल कर देता है भाई कुछ तो गड़बड़ है अब तुम सर्किट को ओपन कर दो तो ये काम आपका करता है कौन रिले तो रिले क्या करता है बस एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल करता है तो इस टाइप के रिले यूनिट्स आपको नजर आएंगे इन केस ऑफ सब स्टेशन ठीक है कैपेसिटर बैंक कैपेसिटर बैंक का काम क्या होता है बेटा पावर फैक्टर को सुधारना और वोल्टेज को कंट्रोल करना जैसा कि हम जानते हैं पावर सिस्टम में एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है कि लोड तक रेटेड वोल्टेज पहुंचना बहुत जरूरी है तो जब कभी ये वोल्टेज कम होने लगता है ना जरूरत से ज्यादा घटने लगता है तो उस वोल्टेज को बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है हमारे कैपेसिटर बैंक की ठीक है तो ये जो कैपेसिटर बैंक होता है ये शंट में लगाया जाता है ये पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करता है और ये साथ साथ आपके वोल्टेज को भी इंक्रीज करता है ठीक है ज्यादातर तो पैरल ही कनेक्ट किया जाता जा है सीरीज में कमी होता है तो इसका मेन काम क्या है पावर फैक्टर को इंक्रीज करता है एम्पलीफाइज पावर फैक्टर माने इंक्रीजेस द पावर 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 फैक्टर इट एज फॉर रिएक्टिव रिएक्टिव तो जो लोड को पावर चाहिए वो मेरा कैपेसिटर बैंक दे देता है ताकि लोड जो है ना सिस्टम से रिएक्टिव पावर ना खींचे ठीक है तो बेटा यहां पे डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एज वेल एज करेंट विल बी रिड्यूस्ड तो कैपेसिटर बैंक कुछ इस टाइप से आपको देखने मिलेगा बाउट अबस्टेशन सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड बचो और अगर आपको इसी तरह के और अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने हैं तो इस लिंक पे जरूर जाना यहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेज मिलेंगी जो मैंने अन अकेडमी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट ली है और मजे की बात यह वहाँ पे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अगर उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल जाती है और बेटा मेरा नया कोर्स पावर सिस्टम का स्टार्ट हो गया है प्लस पे आज ही से स्टार्ट हुआ है एट्थ ऑफ सेप्टेम्बर से सेवन ए एम टू टेन थर्टी ए एम विद हाफ एन आवर ब्रेक इन बिटवीन ये नाइनटीन अक्टूबर तक चलेगा यहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और एक एक कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस तक एकदम प्रैक्टिकली रिलेट करते हुए चलेंगे ठीक है और बेटा ये ध्यान रखें हर संडे होता है कॉम्बैट तो कॉम्बैट में हिस्सा ज़रूर लें लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यूज कोड अंकित यही और कॉम्बैट पे मचाने पे आपको मिल सकता है हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट ऑन अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन और ये कुछ नए बैचेस बेटा हमारे स्टार्ट हुए हैं लाइक क्रैक गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू बैच ए फॉर इलेक्ट्रिकल आरोहन फॉर ट्वेंटी थ्री बैच जी फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ई सी टारगेट ई एस सी बैच ए फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ई सी और ये मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल है बेटा मुझे फॉलो कर लेना मैसेज कर सकते हो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहां पे कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डेली क्विजेस नोट्स एंड नोटिफिकेशन सो थैंक यू एवरी वन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड के साथ लेक्चर नंबर फिफ्टी के साथ जहां पे कि हम सीजन वन को एंड करेंगे और उम्मीद करता हूं आपकी जर्नी इस सीरीज के साथ बहुत ही मज़ेदार रही होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने मिला होगा तो चलते हैं बेटा तब तक ऐसे ही मचाते रहो फोड़ते रहो लेट्स क्रैक इट